नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप दोस्तों टाटा पावर का न्यू कनेक्शन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, टाटा पावर का दोस्तों नया मीटर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और दोस्तों नया मीटर कनेक्शन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो ओनरशिप प्रूफ के लिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों आप इजीली जो है टाटा पावर का जो है नया कनेक्शन, नया मीटर कनेक्शन जो वो अप्लाई कर सकते हो। तो चलो दोस्तों क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, चलो आज की इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टाटा पावर का मीटर कनेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक ब्राउज़र को आपको ओपन करना है अपने डिवाइस के अंदर और यहाँ पर आपको सर्च मारना है NDPL, ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट में जाना है, वेलकम टू टाटा पावर DDL, इस वाले वेबसाइट के अंदर आपको चले जाना है। जब दोस्तों आप इस वेबसाइट में आप जाते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, आपको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है दोस्तों वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 kW to 100 kW, 1 से लेकर 100 kW तक के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है डोमेस्टिक का और नॉन डोमेस्टिक का। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक होता क्या है। देखो दोस्तों अगर आप घर यूज़ के लिए अगर आप लगवाना चाहते हो घर में मीटर तो वो डोमेस्टिक कहलाता है, लेकिन आप दुकान में किसी शॉप में अगर आप मीटर लगवाना चाहते हो तो वो नॉन डोमेस्टिक में आ जाता है। फिलहाल मैं घर के लिए मीटर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डोमेस्टिक वाले ऑप्शन में मैं चला जाऊँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, पेंडिंग एप्लीकेशन और न्यू एप्लीकेशन। तो आपको दोस्तों यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको यूज़र वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको दोस्तों अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखो आपको एक एप्लीकेशन आईडी आपको दिखता है, एप्लीकेशन आईडी आपको कॉपी कर लेना है या फिर अपने मोबाइल फोन के अंदर एक फोटो खींच लेना है, क्योंकि दोस्तों फॉर्म भरते के समय अगर आपके बीच में कैंसिल हो जाता है, कुछ भी दिक्कत आ जाती है, लाइट चला जाता है या कट हो जाता है, तो इस एप्लीकेशन आईडी से आप वहीं से इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसे कि आपके यहाँ पे नाम वगैरह आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो अगर आप अपने नाम पे कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो यहाँ पे एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। उसके बाद आपको जनरल कर लेना है, सिलेक्ट मेल फीमेल या फिर अदर, जो भी आपका जनरल हो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। टाइटल वाले ऑप्शन में दोस्तों अपना मिस्टर मिसिज जो भी आप वो अपने यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, मिडल नेम अगर है तो मिडल नेम दे सकते हो, अगर मिडल नेम नहीं है तो लास्ट नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पर भी दोस्तों रेड कलर का स्टार लगा होगा वो फिलअप करना जरूरी है, बाकी जहाँ पर रेड कलर का स्टार नहीं है उसको आप छोड़ दो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे डाल देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का स्टार है तो ये भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रिलेशन टाइप अपना सिलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहाँ पे नीचे डाल देना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कनेक्शन डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे कनेक्शन डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ये आपको डालना सही तरीके से। आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, डोमेस्टिक आप यहाँ पे डाल देना, डोमेस्टिक यूजिंग, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए आप ले रहे हो, डोमेस्टिक आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद पर्पस ऑफ कनेक्शन, किस पर्पस के लिए आप कनेक्शन लेना चाहते हो, रेसिडेंटल आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप कितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि देखो मैं अपने घर यूज़ के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 2 kW डालूंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप दुकान वगैरह के लिए ले रहे हो आप तो आपको 5 kW यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन अब जब 5 kW अगर आप यहाँ पे डालोगे तो मीटर टाइप आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम 2 kW लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है, 2 kW का हम कनेक्शन लेना चाहते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा। ये ऑप्शनल, देखो पैन कार्ड नंबर ये ऑप्शनल है और जीएसटी नंबर ये सब ऑप्शनल है। जहाँ मैंने बताया ना आपको, जहाँ पर स्टार लगा वो आपको भरना है। उसके बाद न्यू कनेक्शन टाइप वाले ऑप्शन में आपको परमानेंट या फिर टेम्प्रोरी, आपको कनेक्शन कौन सा चाहिए, टेम्प्रोरी कनेक्शन चाहिए या फिर परमानेंट कनेक्शन चाहिए। हमें यहाँ पे परमानेंट कनेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे परमानेंट कनेक्शन वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है यहाँ पे, ये आपको तीनों जो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको यस करना, अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो कर देना। लेकिन दोस्तों देखो सब्सिडी आप लोगों तो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, तो सब आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर करना क्लिक। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है मीटर कनेक्शन टाइप, इस वाले ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको पोस्टपेड और प्रीपेड। आपके यहाँ पे पोस्टपेड वाला ऑप्शन कर लेना सिलेक्ट, पोस्टपेड वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आप बिल भरना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखो किस यूज़ के लिए आपको चाहिए ये, आप रेंटेड हो मतलब, या फिर जो उस घर के ओनर हो, या फिर जो भी हो दोस्तों आप, वो अपना यहाँ पे करना है सिलेक्ट। मैं उस घर का ओनर हूँ, यहाँ पे मैं ओनर वाला ऑप्शन कर लूँगा यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको सप्लाई एड्रेस आपको डालना है कि किस एड्रेस पे आपको सप्लाई चाहिए, मीटर का कनेक्शन चाहिए, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, अपने एरिया का पिन कोड, एरिया, लोकेलिटी क्या है और पूरा एड्रेस क्या है, हम गली नंबर क्या, वो सब तो आप अपने हिसाब से डाल देना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्प्रोरी कनेक्शन यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस एड्रेस पे आप नया मीटर लगवाना चाहते हो, यहाँ पर कोई आपका कोई टेम्प्रोरी कनेक्शन तो नहीं लगा। अगर आपका लगा तो यस करके आपको सी नंबर आपको डालना है, अगर नहीं लगा तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो अपलोड करना है, एक आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आईडी प्रूफ में दोस्तों जो भी है आपके पास आईडी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रल कार्ड, जो भी हो वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ में आपको क्या करना है, अपना जीपीए कर लेना सिलेक्ट, जो भी ओनरशिप प्रूफ है वो करके, और आपको दोस्तों अपना आईडी का नंबर आपको डाल देना है और ये जीपीए का कितने पेज का जीपीए है उतना यहाँ पे आपको डाल देना है, 50 पेज 30 पेज 20 पेज, जितने पेज का भी आपका जीपीए हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फाइल को अपलोड करना है और यहाँ पर ओनरशिप प्रूफ भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये सभी चीज़ दोस्तों अपलोड वगैरह करने के बाद, उसके बाद दोस्तों आपको ओनरशिप स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ओनर वाला ऑप्शन कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ पर आपको दोस्तों कैप्चा कोड डाल के आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर दोस्तों टाटा पावर की तरफ से एम्प्लॉई आपके एड्रेस पे विजिट करेगा। उसके बाद दोस्तों एक महीने के अंदर अंदर दोस्तों आपके एड्रेस पे जो है नया मीटर आपका लग जाएगा। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आप टाटा पावर का जो नया मीटर जो आप लगवा सकते हो। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।